तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। छोटी उम्र में ही बालों का सफ़ेद होना आजकल बिल्कुल आम सी बात है। कभी कभी ये सफ़ेदी और कमजोरी वरासती होती है, तो कभी पल्यूशन और नंगे सर धूप में निकलने की वजह से, जिसका हम फौरी हल निकालते हैं केमिकल हेयर डाई। बज़ाहिर तो ये हेयर डाई हमारे बाल काले कर देता है, लेकिन अंदर से सफ़ेद होने की रफ्तार जो 10 जमा 10 थी, उसे 10 ज़रब 10 कर देता है। हेयर डाई रिबॉन्डिंग या केराटिन वगैरह के इफेक्ट और साइड इफेक्ट पर मैं कभी फिर बात करूंगी। वैसे मैं अपनी एक बायो आंवला शैम्पू और सुपर वेस्मोल केश काला वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। बायो आंवला मैमुना लिखकर सर्च करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना बहुत बहुत जरूरी है, जिसका आजकल मेरे चैनल पर बहुत चर्चा है। ये मेरे हाथ हैं और ये किसी और के। देख लें यार जरा गौर से, कुछ लोगों ने तो पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे दारा इस्लाम से ही खारिज कर दिया था, जबकि वीडियो के शुरू में मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि मेरे हाथ ये वाले हैं। खैर, सो आज मैं आपको मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ एक ऐसा पैक बताने जा रही हूँ, जिससे आपके बाल मजबूत, मोटे, चमकदार होने के साथ साथ काले हो जाएंगे और दोबारा अंदर से भी काले ही निकलेंगे। पैक के लिए हम यूज करेंगे बिल्कुल देसी और आम सी चीजें, जो कलर इफेक्ट के साथ साथ बिल्कुल सस्ती भी हैं। अब आपने देखना और समझना थोड़ा गौर से है। आपको चाहिए एक पैन। पैन की जगह रिकमेंडेड है कढ़ाई। कढ़ाई वो जिसमें हम पकौड़े वगैरह तलते हैं, और हो भी लोहे की, क्योंकि हमारी होममेड डाई इसी कढ़ाई में पककर रंग पकड़ेगी। सो आपको तरीका बताने के लिए और लोहे सिल्वर का फर्क समझाने के लिए मैं पैन यूज कर रही हूँ। कढ़ाई मेरे हाथों की तरह काली है और सिल्वर पैन की गोरे हाथों की तरह लशपश थोड़ी ज्यादा है, तो आजकल लशपश का ही दौर है। खैर, उसमें डालिए 1 से 1.5 गिलास पानी। इसमें आपने डाल देने हैं अनार के छिलके, इतनी सी मिकदार बहुत है, और इसे उबाल लें। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, खास तौर पर फॉलिकल्स को रिपेयर करने के लिए बहुत बहुत अमेजिंग चीज है। आपने अक्सर अनार काटने के बाद इसके छिलकों को स्याह होता हुआ देखा होगा, यही वो नेचुरल कलर है जो हमने हासिल करना है। ये आपको बिल्कुल आसानी के साथ पंसार की शॉप से मिल जाएंगे। इसको अच्छी तरह से उबाल लें। जब उबल जाए तो इसे छान लें, और इसके बाद इसे दोबारा बर्नर पर रख दें, और इसमें डालिए आंवले का पाउडर। पंसार की शॉप से 20 रुपए के आंवले लें और उन्हें ग्राइंड कर लें। आपको इस तरह से प्योर आंवला पाउडर मिल जाएगा, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि पाउडर बिल्कुल फाइन क्वालिटी में बनाइए, क्योंकि बाद में बालों से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे थोड़ा सा पकने दें। सफ़ेद ग्रे हेयर के लिए आंवला किस कदर बेहतरीन काम करता है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आंवले का मुरब्बा महज खा कर बालों को ब्लैक रखने का तरीका बताया हुआ है, जिसे आप व्हाइट ग्रे हेयर में मुना लिख कर देख सकते हैं। ये जब इस तरह की शक्ल में आ जाए तो इसे उतार लें और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें। बल्कि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप इसे और ज्यादा पकाएं। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच मेहंदी। आपने यहाँ पर आम देसी मेहंदी लेनी है, कोई कलर वाली नहीं लेनी। इस देसी मेहंदी में कलर बिल्कुल बराए नाम होता है। मेहंदी बालों के लिए बहुत अच्छे फायदे रखती है, खास तौर पर जब कोई हेयर डाई वगैरह बनाया जाए। आज से कुछ दिन पहले मैं मेहंदी के जरिए नेचुरल ब्राउन हेयर डाई बनाकर दिखा चुकी हूँ, जिस पर अप टू 1 मिलियन व्यूज, और आपकी पॉजिटिव फीडबैक ये बताती है कि कितनी अमेजिंग रेमेडी थी। कोई भी शैम्पू हो या बालों को मजबूत करने के लिए कोई भी रेमेडी, जहां आंवला यूज होता है वहां शिका काई तो मस्ट है। हमने इसका भी पाउडर बना लिया है और शामिल करेंगे 2 से 2.5 चम्मच। ये भी आपको पंसार की शॉप से बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएगा। और ये देखिए, ये सब कुछ मैंने पंसार की दुकान से लिया है सिर्फ 180 रुपए में। अगला इंग्रेडिएंट है हिबिस्किस फ्लावर्स। इस दफा हम खुश्क इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने नर्सरी से लाकर इन्हें फ्रेश यूज किया था, जब हेयर फॉल और थिक हेयर के लिए ऑयल बनाया था। इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर ऐड करेंगे 2 चम्मच, और ये भी आपको पंसार की शॉप से मिल जाएंगे। इन्हें गुले खैरू भी कहते हैं और गुड़हल के फूल भी। उधर दूसरी तरफ कढ़ाई में भी हम ये सारा अमल जल्दी जल्दी करते हैं। पहले पानी डालिए, फिर अनार के छिलके उबालिए, फिर छानकर आंवला पाउडर डालिए और पकाइए, फिर चूल्हा बंद कर दें और डालिए मेहंदी पाउडर, शिकाकाई पाउडर और हिबिस्किस फ्लावर्स। अब इन दोनों को कर लें मिक्स अच्छी तरह से, और ढांप कर रख दें रात भर के लिए, और लाइट बंद कर दीजिए। यहाँ पर रात भर के लिए नहीं, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद जब हमने इसे खोला तो ये कुछ इस तरह की हालत में आ चुकी है। कलर थोड़ा सा डार्क हो चुका है और अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अप्लाई करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखिए कि बालों में ऑयल वगैरह ना हो। ये तो बिल्कुल आम सी बात है कि जब आप पार्लर में हेयर डाई करवाने के लिए जाते हैं तो बालों को पहले वॉश करना पड़ता है। इसको आपने मेहंदी की तरह सर पर अप्लाई करना है, स्कैल्प को मुकम्मल तौर पर कवर करना है, क्योंकि हमारी ये रेमेडी कलरिंग कम और ट्रीटमेंट ज्यादा है। इसलिए बालों के तमाम मसाइल, मसलन खुश्की,
ब्लीचिंग, बालों का बारीक होना और टूटना झड़ना भी शामिल है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि ये कोई कलर डाई नहीं है, इसलिए हफ्ते में एक दफा जरूर इस्तेमाल करें। 3 से 4 दफा के इस्तेमाल से कलर आएगा, इसके लिए पेशेंस रखना जरूरी है, लेकिन जब कलर आएगा तो वह देर पा होगा। लगाने के बाद अच्छी तरह से ड्राई होने दें, क्योंकि ड्राई होने के बाद ही रिजल्ट्स आएंगे। और धोने के लिए सादा पानी इस्तेमाल करें जो ज्यादा तेज गर्म ना हो। शैम्पू और साबुन वगैरह यूज ना करें। इसको हर एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीजें हमने इस्तेमाल की हैं, इनसे बालों में खूबसूरत शाइन आएगी और एक ग्लोसी इफेक्ट नजर आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे ब्राउन मेहंदी कलर आएगा, तो इसे मैं अपने हाथ पर लगाकर दिखा देती हूँ। यहाँ मैं इसे अपने हाथ पर लगा लेती हूँ और उधर कड़ाही वाला खोलकर चेक कर लेते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कड़ाही वाली डाई लोहे के साथ केमिकल रिएक्शन की वजह से ज्यादा ब्लैक हो चुकी है। मैं इसे अपने हाथ पर भी लगाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये डाई इस तरह की तैयार हुई है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो पेन वाली थोड़े लाइट कलर में है और टिंट भी थोड़ा लाइट दे रही है और थोड़ा ब्राउन शेड देगी, जबकि कड़ाही वाली आपको डार्क टिंट देगी। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि कड़ाही में बनाई या पेन में इंस्टेंट कलर इतना ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये एक परमानेंट सोल्यूशन है और मुकम्मल असर होते होते 1 महीना लग ही जाएगा। लेकिन ग्रे हेयर का बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है। सो अगर आप ये यूज करते हैं तो 1 महीने बाद अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा। यूट्यूब के साथ साथ मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं कैजुअल वीडियोस अपलोड करती रहती हूं जो कि यूट्यूब पर नहीं होती। बहुत उम्मीद करती हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।